सभोपदेशक अध्याय दस सभोपदेशक अध्याय दस सभोपदेशक अध्याय दस मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को मात कर देती है। बुद्धिमान का मन दाहिनी ओर रहता है परंतु मूर्ख का मन बाईं ओर रहता है। जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसका मन काम में नहीं आता और वह मानो सबसे कहता है मैं मूर्ख हूं। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी है वह हाकिम की भूल से होती है अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रईसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर उठाए वह उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसी से कटने का डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तब तो अधिक बल लगाना पड़ेगा परंतु काम चलाने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प टसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। उनकी बात आरंभ में मूर्खता की और अंत में दुखदायी बावलेपन की होती है। मूर्ख बहुत बातें बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और उसके बाद क्या होने वाला है वह कौन उसे बता सकता है। मूर्खों के परिश्रम में थकावट ही होती है वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश तुझ पर हाय कि तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल में भोजन करते हैं। देश तू धन्य है कि तेरा राजा कुलीन का पुत्र है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं और यह भी मतवाले होने को नहीं बरन बल चढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़िया दब जाती है और हाथों की सुस्ती के कारण घर टपकता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मनी मन भी शाप न देना और न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरे वचन को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट करेगा।